We have a case study. Johan planned a birthday party for his younger sister with his friends. They decided to make some birthday cakes by themselves and to buy a cake from a bakery shop. For these two items, they decided the following dimension. Cake ke liye kaun se dimensions hai? Cylindrical shape with diameter 24 cm and height 14 cm. Cake cylindrical shape ka hoga, jiska diameter 24 and height 14 सेंटीमीटर होगी। सबसे पहले इसे हम डायग्रामेटिकली बना लेते हैं। वैसे तो हमें ये पिक्चर दे रखी है बट हम इसे अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं क्योंकि इसमें इतना क्लियर नहीं है कुछ भी। ऐसे एक सिलेंड्रिकल शेप का केक है जिसका डायमीटर हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ये तो हो गए केक के डायमेंशंस। अब देखते हैं कि कैप के डायमेंशंस कौन से हैं। कोनिकल शेप विद बेस सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। कैप के डायमेंशंस कौन से हैं? कोनिकल शेप विद बेस सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। कैप जो है वो ऐसे कोनिकल शेप की है एंड इसका सर्कमफेरेंस हमें दे रखा है 44 सेंटीमीटर। देखो सर्कमफेरेंस कहाँ पर है, इसके बेस में एक सर्कल है, कोन के बेस में एक सर्कल होता है, तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं एंड जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो कॉनिकल कैप के बेस का सर्कमफेरेंस हमारे पास 44 सेंटीमीटर है एंड हाइट 24 सेंटीमीटर है। इसका डायग्राम भी हम बना लेते हैं। कैप कुछ इस तरह की है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है एंड सर्कमफेरेंस कितना है, ये वाली जो बाउंड्री है ये 44 सेंटीमीटर है। देखो ये बाउंड्री 44 सेंटीमीटर है, ओके, रेडियस नहीं है, ओके। तो अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो भी हमें अबव इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको यूज करके हमें ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वेयर सेंटीमीटर पेपर वुड बी यूज टू मेक फोर सच कैप्स। अगर हमें ऐसी चार कॉनिकल कैप्स बनानी होगी तो हमें कितना पेपर यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक कैप को बनाने के लिए कितना पेपर यूज़ हो रहा है एंड देन उसको फोर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। एक कैप में कितना पेपर यूज़ होगा, कैप की शेप है कॉनिकल एंड कैप बॉटम से ओपन है तो सिर्फ ये कोन का जो कर्ड सरफेस एरिया है यहीं पर पेपर यूज होने वाला है। बॉटम से कैप ओपन होती है, दैट्स व्हाई बॉटम में कोई भी पेपर यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एक कैप का कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, मतलब कोन का कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे क्योंकि कैप तो कॉनिकल है। ए के आंसर के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कैप। एक कैप के लिए कर्ड सरफेस एरिया, और ये कौन सी है, कॉनिकल है, तो कोन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7 होती है बट रेडियस ऑफ कैप तो हमें नहीं दे रखा, हमें ये सर्कमफेरेंस दे रखा है। कैप के बॉटम में ये जो सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस हमें 44 सेंटीमीटर दे रखा है एंड सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr = 44 हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर है तो ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया = 44। आप यहाँ पर लिख सकते हो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यहाँ से 2 × π की वैल्यू 22/7 × रेडियस हमें फाइंड आउट करना है = 44। 42 is 44/7 × r = 44। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ रही है, 44 एज इट इज, r एज इट इज, ये जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाने के बाद एंड जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 44 से 44 कैंसिल, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर, आर की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब आती है बात स्लांट हाइट की, ये होती है एल स्लांट हाइट। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कोन की स्लांट हाइट को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्क्वेयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर एंड यहाँ पर आर कितना है, 7, तो 7 स्क्वेयर प्लस हाइट कितना दे रखा है हमें, 24, तो 24 स्क्वेयर, एल इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 7 स्क्वेयर मीन्स 7 × 7, 7 × 7 = 49 प्लस 24 स्क्वेयर मतलब 24 × 24, 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 576, 49 प्लस 576 625, तो L की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 625 एंड वी नो दैट 25 × 25 625 स्क्वेयर रूट है तो L की वैल्यू स्क्वेयर में से एक 24 बाहर आ जाएगा तो L की वैल्यू हमारे पास
25 सेंटीमीटर आ रही है। तो अब हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगेन लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कैप इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 आर 7 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 25। 7 से 7 कट गया, हमारे पास बचा 22 मल्टीप्लाई 25। एक कैप का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एंड हमें कितनी कैप का कर्व सरफेस एरिया निकालना है? 4 कैप्स का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 कैप इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, राइट, 550 इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 टू कैरी, अगेन 4 5 20, 20 plus 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 कैप। इतना पेपर यूज होगा 4 कैप्स को बनाने के लिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेपर यूज्ड फॉर मेकिंग 4 कैप्स इक्वल्स टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आता है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। द बेकरी शॉप सेल्स केक बाय वेट 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg एटसेट्रा। इतने इतने वेट का जो केक है वो शॉप सेल करती है। टू हैव द रिक्वायर्ड डायमेंशंस हाउ मच केक शुड दे ऑर्डर। जो भी उन्होंने केक के डायमेंशंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि वो इनमें से कौन से वेट वाला केक ऑर्डर करेंगे। इफ 650 cm³ इक्वल्स टू 100 g ऑफ केक। देखो जो सेंटीमीटर क्यूब में हमें वॉल्यूम दे रखा है कि 650 cm³ इक्वल्स टू 100 g केक होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें केक का वॉल्यूम निकालना होगा इन सेंटीमीटर क्यूब, एंड आफ्टर दैट उसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। लेट्स सी हाउ। इस केक का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। केक कौन सी शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। तो हमें वॉल्यूम किसका फाइंड आउट करना है? सिलेंडर का। मतलब फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, एंड वो वॉल्यूम किसका होगा? इस केक का। बी पार्ट के लिए हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल केक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज अ रेडियस एंड एच इज अ हाई। पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, आर इज अ रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल केक, हमें सिलेंड्रिकल केक का डायामीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना होगा? डायामीटर का हाफ रेडियस होता है, दैट इज 24/2 इसका रेडियस होगा। एंड एच इज अ हाइट, हाइट इस केक की कितनी है? 14 cm। रेडियस 24/2 एंड हाइट 14। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर है तो रेडियस दो बार आएगा, 24/2 इंटू 24/2 इंटू हाइट इज 14 cm। 7 1 7, 7 2 14, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2, 11 2 22। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 24 × 24 × 11। 24 को 24 से मल्टीप्लाई हमने पहले भी किया है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 576। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 24 × 24 × 11। 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आएगा? 576 × 11। अब 576 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 675 × 6 7 5 6,336 cm³ वॉल्यूम है, तो क्यूब आएगा, हर एक मेजरमेंट हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो दैट्स व्हाई हमने सेंटीमीटर क्यूब लिखा। अब हमें मालूम है कि 650 cm³ इक्वल्स टू 100 g है। 650 cm³ इक्वल्स टू 100 g, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर 650 cm³ इक्वल्स टू 100 g है, हमें फाइंड आउट करना है 6,336 cm³ कितने ग्राम के इक्वल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 cm³ के लिए फाइंड आउट करेंगे कि कितने ग्राम होगा, 100 जिस 650 इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 cm³ इक्वल्स टू 100/650 g। अब इसको कटिंग कर देते हैं, 10/65 g। इसको आगे भी कटिंग कर सकते हैं, 10 को कैसे लिख सकते हैं? 5 2 10, एंड 65 को लिख सकते हैं 5 13 65। 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? 2/13 g। 1 cm³, 2
2 by 13 gram, तो 6,336 centimeter cube कितने ग्राम होगा? 6,336 multiply 2 by 13 gram. अब सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 6 are 12, 1 carry, 2 3 are 6 plus 1 7, 2 3 are 6 2 6 are 12, over 13 gram. अब इसको डिवाइड करते हैं. इसको 13 के साथ डिवाइड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 13 का टेबल लिख लेते हैं. 13 का टेबल हमने लिख लिया है. अब देखो जो 12 13 से छोटे हैं, तो हम इन तीनों को कंसीडर करेंगे. 126 से लेस नंबर यहाँ पर यही है, तो 13 9 से 117. अब माइनस कर देते हैं. 97 से स्मॉलर नंबर यहाँ पर कौन सा है? 91. 62 से स्मॉलर नंबर 52 है. अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. 100 से स्मॉलर 91 है, 90 से स्मॉलर 78 है, अगेन 12 आ चुका है. 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर हम लिख लेते हैं. तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 974.76 आ रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 kg होगा. ये ग्राम्स में है. 1 kg इक्वल्स टू 1000 grams होते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास 974.76 grams है अप्रोक्सीमेटली. तो ये किसके अप्रोक्स है? अप्रोक्स 1 kg. तो इसका मतलब इनमें से 1 kg का केक ऑर्डर किया जाएगा. इस केस स्टडी के ए पार्ट के लिए ये आंसर है, एंड बी पार्ट के लिए ये आंसर है.